मिस्टर जैकब खालिंग, कैसे देखते हैं द लोन लोकसभा सीट जो है, द प्रोजेक्शन जो एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है कि ये दिस इज गोइंग टू द स्कैम, योर पार्टी इज विनिंग द लोकसभा सीट एंड दैट इज द प्रोजेक्शन, सो ये क्या एक्सपेक्टेड लाइंस में है? इज इट ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस? वेर यू ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग योर कैंडिडेट टू विन? गुड इवनिंग एवरीवन, एंड जो आपने एग्जिट पोल का भी जो बहुत सारे टीवी चैनल से और मीडिया हाउस से आ रहा है, और यही सच है, और इसमें हम कंफर्म है कि जो सिक्किम का एक लोकसभा आसन है, एसकेएम पार्टी का उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रहांग सुब्बा दोबारा जीत के निश्चित रूप से पार्लियामेंट पहुंचेंगे, ये हम विश्वास करते हैं, और कल ये हकीकत में परिवर्तन भी होगा। तो ये लोकसभा का हुआ, एंड कल आपका स्टेट में साइमल्टेनियस असेंबली इलेक्शंस भी हुआ था फॉर द 32 मेंबर असेंबली। लोगों का कहना है कि ये फाइट जो था एसकेएम और एसडीएफ के बीच में, ये बहुत टाइट फाइट था, ये बहुत टफ फाइट था। क्या आप मानते हैं कि इट वॉज अ टफ कंटेस्ट, ये मानते हैं क्या आप? अगर सिक्किम में जो लास्ट वोट हुआ था 2019 में, 2014 में, उसके आगे 2009 में, अगर ये तीन चुनाव आप देखेंगे और इस बार का ये चुनाव देखेंगे, तो हमें यही नहीं लगता कि हमारा एसडीएफ पार्टी से टफ कंपटीशन हुआ, टफ मार्जिन में वोटिंग हुआ, ये सिक्किम का आदमी शायद नहीं मानेगा। विभिन्न एनालाइज करने वाला करेंगे जो भी बोल सकेंगे, पर हकीकत में स्पेशली दूर दराज गांव बस्ती में जो वोट हुआ था वो एब्सोल्युटली एसकेएम के फेवर में हुआ था, और यहाँ तक हुआ था कि चुनाव के बहुत सारे आगे महीने से और चुनाव के दिन तक ऑपोजिशन पार्टी कोई बड़ा कैंपेनिंग मीटिंग, कोई बड़ा रैली, कोई बड़ा रोड शो, पब्लिक गैदरिंग तक कर नहीं पाया था, इसलिए टफ फाइट हुआ, ये थोड़ा हम नहीं मानते हैं। अच्छा, तो आपका प्रोजेक्शन क्या है, आपका प्रिडिक्शन क्या है? 2019 में एसकेएम 17 सीट मिला था, 17 सीट, एंड एसडीएफ 15 मिला था, इट वाज अ क्लोज फाइट, लेकिन बाद में काफ़ी सारा लोग, पॉलिटिकल इक्वेशन पूरा चेंज हो गया, एसडीएफ का से बहुत लोग चला जा करके बीजेपी बन गया, सो दे हैव बिकम बीजेपी नाउ। अभी देयर इज ओनली वन एसडीएफ एमएलए इन द 32 मेंबर सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड दैट इज द एसडीएफ लीडर पवन छामलिंग। तो आप इस बार क्या प्रोजेक्शन है आपका? सिर्फ दो बात कहना चाहता हूँ। एक, पहली बात, 2019 में जितना विधायक के साथ हमने सरकार बनाया था, उससे मजबूत सरकार, उससे ज्यादा विधायक के साथ 100% सरकार हम एसकेएम पार्टी का बनाएंगे, एक बात दिए। और हमारा प्रोजेक्शन के बारे में, अगर एक दो बात हमारे कहे अनुसार, हमारा रणनीति के अनुसार सही हुआ हो तो हम 32 में 32 सीट जीतने का सबसे प्रबल चांसेस लेके आगे बढ़ रहे हैं, और 32 में 32 को हमने संभावना देखा है, जो कल हकीकत में प्रमाणित होते हम देखना चाहते भी हैं।